लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। दिन में जहां नाकेबंदी कर लगातार उसका पालन कराया जा रहा है, वहीं रात में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बरगदवा में शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट पर एएसपी विकास कुमार कमान संभाले हुए हैं, तो अन्य जगहों पर पुलिस के अन्य अधिकारी नाकाबंदी कर लगातार उनको पूरा सफल करने में जुटे हुए हैं। शहर में की गई नाकेबंदी में पुलिस उन्हीं लोगों को एंट्री दे रही है जिनके पास या तो पास है या फिर कोई अति आवश्यक कार्य के लिए वे जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे महानगर में सड़कों पर आवाजाही बंद है और सड़कें सूनी हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी विकास कुमार ने बताया। बरगदवा चौकी जो है ये शहर की एंट्री का पॉइंट है। चिलवाताल थाना का बहुत अहम चौकी है और यहाँ से शहर में एंट्री होते हैं। यहाँ से मेजर दो रास्ते हैं कि ये और ये, दोनों को हम लोगों ने पूरा ब्लॉक कर दिया है ताकि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराया जा सके। किसी भी गाड़ी को, किसी भी पैदल यात्री को यहाँ से जाने नहीं दिया जाता है जब तक वो कोई विशेष कारण न बताए, उसके पास सरकार द्वारा निर्गत पास न हो या फिर वो किसी इमरजेंसी काम के लिए, आवश्यक सेवा के लिए नहीं जा रहा हो तो उसको यहाँ से छोड़ा नहीं जाता है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह यहाँ सफल रहे और शहर में लोगों की भीड़ ना हो पाए। हम लोग यहाँ दो शिफ्ट में दिन भर लगे हुए हैं, दिन और रात दोनों में लगे हुए हैं और लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस समय कृषि कार्य होते हैं, खेतों की कटाई उठाई चल रही है, तो उस तरह संसाधनों के लिए क्या पास की जरूरत है? नहीं, जो कृषि कार्य हैं उसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। जो कृषि कार्य के लिए जा रहे हैं लोग, उनको पूछताछ करके छोड़ दिया जा रहा है। कृषि कार्य, सभी कृषि कार्य निर्विरोध चले, इसके लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने ट्रैक्टर और ट्रॉली गई, उसको हम लोगों ने जाने दिया क्योंकि कृषि कार्य से जुड़े हैं। और जो कोई हमारे पास आ रहे हैं कृषि कार्य के लिए, उनको हम लोग पास भी निर्गत कर दे रहे हैं। अगर वो दूसरे क्षेत्र में उनकी कोई गाड़ी है उसको लाना चाह रहे हैं तो उनको हम लोग पास भी दे रहे हैं ताकि कृषि का कार्य सभी आसानी से चल पाए। सर, जो बेवजह घूम रहे हैं सड़कों पे या इस तरह के लोगों में, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो बेवजह घूम रहे हैं उनको हम लोग चौराहे पे बैठा दे रहे हैं, बीच धूप में बैठा दे रहे हैं, गोला करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको यहाँ बैठा दे रहे हैं। कुछ के खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है
और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ को हम लोग समझा के भी घर पे भेज दे रहे हैं कि वो घर से ना निकले। हम लोग जनता के सहयोग से ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कोई लोग अन्यथा किसी कारण, बिना किसी कारण बस बाहर ना निकले।